Hey guys, good evening. I welcome you all to Exam Shala. My name is Satan Gupta and I'm your educator. So January second part आ चुका है आपके सामने. First part हो चुका है, उसे जाके जरूर देखिए. जो लोग नए हैं उनसे बस इतना कहूँगा कि पिछले पांच part जरूर देखना, current affair काफी connect कर रहा है. आप इसे एक revision के तौर पे भी ले सकते हैं और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी इस सीरीज को रेफर कर सकते हैं. इस सीरीज में जैसा कि मैंने बोला है कि 10 वीडियो होंगे, तो इस सीरीज का ये छठवां वीडियो है. ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस सीरीज को देखना. नवंबर दिसंबर पार्ट वन पार्ट टू हो चुका है, जनवरी पार्ट वन हो चुका है, अभी छठवां वीडियो है पार्ट टू, तो मतलब ये सीरीज का छठवां वीडियो भी इसमें हो जाएगा. तो पिछले सारे वीडियोस देखना, सारे वीडियोस मिला के कुछ आपके 450 क्वेश्चन जो कि इसमें गिवन है वो प्रिपेयर होंगे. बट अगर आप इसकी डिटेल्स देखते हैं सो दैट्स माई गारंटी, नियरली 1200 to 1400 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे. ठीक है, तो मतलब लास्ट तक होते होते कुछ 2000 से ऊपर आप पहुंच जाओगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपका पूरा रिविजन हो जाएगा. मार्च के बाद मैं अप्रैल भी ले आऊंगा, इन मिड ऑफ द अप्रैल, तो वहां से आपकी उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी. तो चलिए अब बिना समय खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं. और आज का पहला क्वेश्चन और इस पार्ट का 76 क्वेश्चन आपके सामने रहा. क्वेश्चन है, खादी कलेक्शन इन कोलैबोरेशन विद केवीआईसी टू कैमेमोरेट द विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, महात्मा गांधी जी की ये कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है. आप ऐसे क्वेश्चन को आंख बंद करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब सेकेंड एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को जो एनिवर्सरी मनाई गई तो वो 150 थी और इसमें काफी सारे काम किए गए थे. कहीं ना कहीं इसमें स्वच्छ भारत मिशन की भी बात लेकर के आई थी. ठीक है, मतलब वो शुरुआत पहले हो चुका था, मैं जोड़ के कहानी बता रहा हूं. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है. अब मैं आपसे पूछता हूं ये केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या है, इससे रिलेटेड कुछ और बातें इनको भी देखते हैं. तो देखिए केवीआईसी की फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. ओके, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई पहली चीज. इसके अलावा एनिवर्सरी आपको बताई थी गांधी जी की 150 है. कुछ और भी इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड हम देख लेते हैं. देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक स्टैचुअरी बॉडी है. ठीक है, और इसको 1956 में इस्टैब्लिश किया गया था. ये बात समझ में आ गई, ध्यान देना. और इसका मेन मकसद क्या है, देखिए इसका मेन मकसद है सोशल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और एक सेलेबल आर्टिकल्स को भी प्रोवाइड करना. ठीक है, आपने देखा होगा काफी सारे शोरूम्स होते हैं जो खादी वस्त्र को बेचते हैं. ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक एम है वो एम है कि सेल्फ रिलायंस हो, जो भी पुअर्स है, जो गरीब तबका है हमारे समाज का, उनके पास सेल्फ रिलायंस हो. बात समझ में आ गई, क्लियर है. अच्छा, एक दो न्यूज इससे रिलेटेड बताता हूँ जो 5-6 महीने पहले थी. तो जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने लॉन्च किया था अपना अपने आप में पहला टेराकोटा ग्राइंडर. ठीक है, ये किया था इन्होंने सेवापुरी में, और सेवापुरी पड़ता है आपका वाराणसी में. ठीक है, और वाराणसी किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. इसके बाद ये इंफॉर्मेशन है, इनको ध्यान देना. ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में. 77 एक्सरसाइज की बात करूंगा, काफी सारी एक्सरसाइज मैंने पिछले वीडियोस में भी कवर करी हैं. सो इंडिया एंड विच कंट्री टू कंडक्ट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज इन उमरोई. तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा. इसका सही जवाब है आपका बांग्लादेश. ठीक है, तो याद रखना इंडिया और बांग्लादेश की बात आएगी तो तब हम उमरोई को याद रखेंगे. अब मैं कुछ एक्सरसाइज हैं जो पहले हुई हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं. तो इस लिस्ट को ध्यान से देखना, आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं. जैसे कि पहला आपके सामने आ गया नोमैडिक एलिफेंट X4, सो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच हुई थी. फिर उसके बाद टाइगर ट्रायम्फ 2019 इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, ये हुई विशाखापट्टनम एंड काकीनाडा, ये जो कि है आंध्र प्रदेश. फिर उसके बाद चैंगतंग 2019 इंडिया, ईस्टर्न लद्दाख चाइना में हुई. फिर उसके बाद युद्ध अभ्यास 2019, ये तो मैंने कवर भी किया था, इंडिया एंड यूएस के बीच में हुआ वॉशिंगटन. मैत्री 2019, इसे भी हम कवर कर चुके हैं, इंडिया एंड थाईलैंड, मेघालय और थाईलैंड से रिलेटेड काफी सारी न्यूज थी जो मैंने दिसंबर और नवंबर में कवर अप करी. उसके बाद मालाबार एक्सरसाइज, ध्यान दीजिएगा ये जापान के साथ होती है और ये ट्राई है. ठीक है, तो यूएस और चाइना भी हो गया. फिर हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना के बीच में, तो काफी ज्यादा न्यूज में भी थी और चाइना से रिलेटेड न्यूज इस समय हमेशा इंपॉर्टेंस रखेगी जब तक आपका कोई एग्जाम होता है. ठीक है, और ये जो आपकी हैंड इन हैंड हुई थी ये भी आपकी उमरोई में हुई और मेघालय. फिर आगे आते हैं संप्रति, तो ये हुई इंडो बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये हुई तंगाली में और तंगाली पड़ता है आपका बांग्लादेश में. तो ये कुछ हो गई, इसके अलावा 2-3 और हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, आप इनको
जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है डिजास्टर कंट्रोल एक्सरसाइज, ये इंडिया और जापान के बीच हुई थी याकोहामा में, और याकोहामा पड़ता है आपका जापान में। फिर हुई मैनमती मैत्री एक्सरसाइज 2019, ये बीएसएफ और बीजीबी की थी। तो बीएसएफ हो गया इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और बीजीबी हो गया बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई, ये हुई सिपाही जिला जो पड़ता है आपका बांग्लादेश में। फिर मित्र शक्ति सिक्स, तो मित्र इंडिया श्रीलंका, और ये हुई थी आपकी श्रीलंका में। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंस हैं, अलग अलग क्वेश्चन बनाने से अच्छा मैंने इसको एक साथ किया। बढ़ते हैं आगे, 78 में आते हैं, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नेक्स्ट। हु रिसीव द फ्रेंच ऑनर फॉर थिएटर आर्टिस्टे, ध्यान देना ये फ्रेंच वर्ड पे आर्टिस्टे लिखा है इन्होंने, वैसे आर्टिस्ट होता है। तो ये किसे मिला, ये मिला है संजना कपूर जी को, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ओके। और ये जो ऑनर है आपका नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, ठीक है। क्या है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड द लेटर, ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है जो उन्होंने थिएटर में दिया है, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो नाम याद रखना है संजना कपूर। आते हैं 79 पे, 79 आपके सामने, द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट आउट अ रोड मैप फॉर रिड्यूसिंग इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्टेड बाई वॉट परसेंट बाई 2020। तो ये परसेंट इनका कितना है बताइए, 15, 10, 25 और 22। इसका सही जवाब है आपका 10%, ठीक है। तो 10% इसमें सही जवाब होगा। ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी नजर में रखना है, जैसे कि मैंने बात आपसे बोली थी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद सर्च इंजन लॉन्च SOS अलर्ट फॉर कोरोना वायरस, देखो इसका तो बहुत ही आसान सा आंसर है, वो है गूगल, ठीक है। वैसे गूगल से रिलेटेड मैंने काफी सारी न्यूज कवर करी है, वो इंडियन रेलवे से रिलेटेड हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने जो काम किए, ठीक है, तो गूगल से रिलेटेड किया ही है। डूडल को लेकर के भी हमने कुछ न्यूज कवर करी थी, फिर जब उन्होंने बात करी थी मोस्ट सर्च्ड पर्सन, तो हमने रतन टाटा का नाम लिया था। तो ऐसी काफी सारी न्यूज है, तो अब यहाँ फिर गूगल आ गया, तो यहाँ पे ऑफकोर्स गूगल इसका सही जवाब होगा, याद रखना। तो ये कोरोना वायरस के लिए है, जिससे कि सिचुएशन के लिए आप अपडेटेड रहें, रिसोर्सेज के बारे में पता रहे, जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बता रहा है, जो भी सेफ्टी टिप्स हैं उनके बारे में भी आपको पता रहे, ये है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये उसका सही जवाब है गूगल। क्वेश्चन रखा इसलिए क्योंकि लगातार जो चीज़ न्यूज़ में रहती है मैं वैसे ही क्वेश्चन को कवर करके चलता हूँ, एंड फॉर्चुनेटली काफ़ी काम आते हैं लोगों के। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु बिकेम फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर टू विन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, किन्होंने जीता, चार ऑप्शन आपके लिए। तो इसका सही जवाब है रानी रामपाल, ठीक है। रानी रामपाल जी सबसे पहली हॉकी प्लेयर बनी है जिन्होंने वर्ल्ड गेम एथलीट का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना, और प्लेयर्स का नाम को गायब करके भी कई बार पूछा जा सकता है कि ये कौन से आपके स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये भी याद रखना है, चीजें रटना नहीं है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी काफी कुछ कर चुका हूँ। चलिए आगे आते हैं। हु लॉन्च स्पेशल एडिशन ऑफ खादी वॉचेस, तो ये किसने लॉन्च किया है, आपके सामने चार ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है सर नितिन गडकरी, नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया, और ये लॉन्च किया था इन्होंने, 72 डेथ एनिवर्सरी थी गांधी जी की, ठीक है। अभी ये यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी की बात नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 72 डेथ एनिवर्सरी गांधी जी की थी, तब इन्होंने इसको लॉन्च किया, इज माई पॉइंट क्लियर। और ये जो इवेंट हुआ था, ये इवेंट आपका हुआ था दिल्ली में, वैसे इस तरह के ज़्यादातर इवेंट दिल्ली में होते हैं, ऑलरेडी हम इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, 83 आपके लिए। पार्कर सोलर प्रोब इज मेकिंग अ सीरीज ऑफ क्लोज फ्लाई बाई ऑन द सन थ्रू 2025, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है 24। सो जो पार्कर सोलर प्रोब है वह सीरीज बना रहा है, 24 क्लोज फ्लाई बाईज हैं, तो वो कब तक के लिए इन्होंने किया, ये 2025 तक का इनका प्लान है, ओके। चलिए आगे आते हैं। एस जयशंकर लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर एट केवाड़िया, देखिए अभी इनसे रिलेटेड भी न्यूज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी जब हम दिसंबर का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे। तो इसका सही जवाब है आपका गुजरात, ठीक है। और वहाँ पे भी हमने बात करी थी स्टैचू को लेकर के, तो एक तो स्टैचू ऑफ यूनिटी था, और फिर दूसरी मैंने बात करी थी जो सबसे बड़े दूसरी उनकी मूर्ति बनाई गई है सबसे ऊंची, तो वो भी आपकी अहमदाबाद में बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद रखना कि जो फाउंडेशन लेट किया इन्होंने केवाड़िया में किया, और ये आपका गुजरात में पड़ता है। आई होप क्लियर है, मैं बढ़ता हूँ आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 85। When Martyr Day was observed, तो इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब है 30 जनवरी। ठीक है, जनवरी 30 को आपका मार्टियर डे मनाया जाता है। ये डेथ एनिवर्सरी भी है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, हो सकता है आपको मार्टियर डे नाम ना दे, इसे शहीद दिवस के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो नाम याद रखिएगा, वो आपका शहीद दिवस होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 86 में। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर इनॉगरेटेड इन, कहाँ पे इनॉगरेट किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर? चार ऑप्शन आप लोगों के लिए हैं और इसका सही जवाब है आपका तेलंगाना। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। और ये इसमें लगभग 1 लाख लोग एक साथ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। इसमें पॉइंट क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे और ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। वेन वर्ल्ड नेग्लेक्टेड डिजीज डे ऑब्जर्व, देखिए कैसे कैसे दिन आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले तक मुझे याद है इतना नहीं होता था, बट होता क्या है ना, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी उससे अवेयरनेस के लिए कोई ना कोई डे रखा जाएगा और हमारा करंट अफेयर बढ़ जाता है। तो वेन वर्ल्ड नेग्लेक्टेड डे डिजीज ऑब्जर्व, इट इज ऑब्जर्व ऑन 30 जनवरी। ठीक है, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें पॉइंट क्लियर। चलिए, ये पहली बार मनाया गया था और अब इसको यही दिन मार्क भी कर दिया गया है। तो अभी हमने शहीद दिवस की भी बात कर ली और इसकी भी बात कर ली। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर टू प्ले प्रोफेशनली इन द वर्ल्ड? ठीक है, तो पहली वुमेन फुटबॉलर की बात करी जा रही है, तो इसका सही जवाब है आपका बाला देवी। ठीक है, ये बाला देवी कहाँ से हैं सर जी? बाला देवी हैं आपकी मणिपुर से। मणिपुर से रिलेटेड न्यूज़ मैंने आपकी बात करी थी, मैंने आपको ऑरेंज फेस्टिवल की बात करी और भी कई न्यूज़ थी, पिछले वीडियोस को जाके जरूर देखो, आई एम नॉट गोना रिपीट देम। ओके, सो बाला देवी कहाँ से हैं? ये मणिपुर से हैं और ये मणिपुर पुलिस में जॉब भी करती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री क्रिएट्स गिनीज बुक और ऑफ रिकॉर्ड फॉर हाइएस्ट एल्टीट्यूड फैशन शो इवेंट? तो देखिए, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाइएस्ट एल्टीट्यूड मतलब सबसे ऊंचाई पे कोई फैशन शो हुआ हो। तो देखिए, इनमें से एक दो ऑप्शन तो आप सीधे सीधे हटा सकते हैं, उसका सही जवाब है आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल में ये हुआ था जहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हाइएस्ट एल्टीट्यूड पे फैशन शो इवेंट कराने का। चलिए आगे आते हैं, अगली न्यूज फिर गुजरात से आती हुई। सो हु लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर फॉर केवड़िया? सॉरी, क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो लेकिन ये इसका सही जवाब है एस जयशंकर। ठीक है, तो एस जयशंकर जी ने इसका फाउंडेशन लेड किया था। अच्छा, ये क्यों किया था इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं। तो ये किया गया था एम्पावरमेंट और लाइवलीहुड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूटिलाइजेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक टू एंड, पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, तो मतलब कब तक की बात है जो टारगेट किया गया है कि आपका प्लास्टिक यूज बैन कर दिया जाए? तो देखिए, इसका सही जवाब है 2022। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन रखी है और इससे रिलेटेड मैं कुछ न्यूज़ भी बता देता हूँ। तो देखिए, 1 मई 2020 से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया था जहाँ पे वह सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट करी थी आदित्य ठाकरे जी ने, ये वहाँ के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। इसके अलावा आपका दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी बन चुका है पहला सिंगल यूज प्लास्टिक यूज फ्री एयरपोर्ट। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, ऐसी न्यूज़ एक्चुअली आती रहती हैं। सबसे पहले इसमें महाराष्ट्र ने भी उठाया था, आप गुजरात में भी देखेंगे तो प्लास्टिक को लेकर के अब काफ़ी ज़्यादा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उसका रीज़न है कि बहुत ही जल्दी ये डिकम्पोज होती नहीं है, बहुत ज़्यादा समय इस पर लग जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टेक महिंद्रा टू सेटअप गूगल क्लाउड सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और पटना। तो इसका सही जवाब है आपका हैदराबाद। ठीक है, अभी कोरोना वायरस को लेकर के भी इन्होंने अपने मुंबई के रिजॉर्ट को अपना पूरा हॉस्पिटल बनाने की घोषणा कर दी थी। खैर बढ़ते हैं आगे 93 क्वेश्चन में। वो स्टैटिक क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 93, व्हाट वाज द कैश प्राइस ऑफ टेलर प्राइस 2020? चार ऑप्शन आपके लिए और इसका पहला ऑप्शन ए जो है वो सही है, $2 लाख इसका सही जवाब होगा। ठीक है,
तो याद रखना। और ये अवार्ड दिया क्यों जाता है, तो यह एक पहली चीज़, एक एनुअल अवार्ड है जो दिया जाता है इन्वायरमेंट साइंस के लिए, इन्वायरमेंटल हेल्थ और एनर्जी के सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए, ठीक है। अब ये अवार्ड मिला किसे, तो देखिए UNEP के गुडविल एम्बेसडर हैं पवन सुखदेव, इन्हें 2020 का टेलर प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर द एनवायरमेंट ऑफिस ग्राउंड ब्रेकिंग ग्रीन इकोनॉमी वर्क। इज माई पॉइंट क्लियर? यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ओके। सो इनको मिला था, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, पवन सुखदेव, इनको मिला है $2 लाख, सो क्वाइट हैंडसम अमाउंट। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ऑपरेशन वनीला वॉज लॉन्च्ड, ऑपरेशन वनीला को कब लॉन्च किया गया, तो ये एक लॉन्च किया गया आपका 28 जनवरी 2020 को, ठीक है। इसका मेन एम था जो आप मेडागास्कर में, एक अफ्रीकन कंट्री है मेडागास्कर, वहां पे साइक्लोन हिट किया था, ठीक है, उसके लिए। और ये किसने लॉन्च किया है, तो सर आपका ऑपरेशन वनीला इज लॉन्च बाय इंडियन नेवी। तीन क्वेश्चन यहाँ से आपके सीधे तैयार होते हैं, और जैसा कि मैंने बोला था, अगर आप वीडियो ध्यान से देखते जाएंगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन पर क्वेश्चन में प्रिपेयर होंगे। सो ये वाली बात थी। खैर बढ़ते हैं आगे। 95, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाई टोम टोम, रिपोर्ट विच सिटी रैंक द वर्स्ट ट्रैफिक इन द वर्ल्ड, तो कौन सी कंट्री है? टोम टोम बाय द वे एक टेक कंपनी है, ठीक है, तो याद रखना क्यों है, क्योंकि माई ब्रदर इज वर्किंग हियर। सो टोम टोम के हिसाब से वर्स्ट ट्रैफिक कहाँ का है? इसका बेंगलुरु सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे वर्स्ट ट्रैफिक है, और एक रिपोर्ट के हिसाब से, एक जो कि एक नीदरलैंड बेस्ड रिपोर्ट है नेविगेशन ट्रैफिक और मैक प्रोडक्ट को लेकर के, तो बेंगलुरु ने इसमें टॉप किया है, और ये ऑफ कोर्स ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो बात आई थी कि इंडियन सिटी एक्सपेक्टिंग टू स्पेंड एन एवरेज ऑफ 71% एक्स्ट्रा टाइम स्टक इन ट्रैफिक, ठीक है, मतलब 71% तक समय ज़्यादा वेस्ट करते हैं। यस इट हैपन्स, आप बेंगलुरु जाओ, आप मुंबई जाओ, आप दिल्ली जाओ, यू विल सी वर्स्ट ट्रैफिक। खैर 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गॉट क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक फ्रॉम इंडिया? नीरज चोपड़ा, दविंदर सिंह कंग, कसीनाथ नायक और विपिन कसाना। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। सो नीरज चोपड़ा है, और ये एक जो जेवेलिन थ्रोअर है, ठीक है, और इन्होंने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक के लिए, ठीक है, और इन्होंने 87.86 मीटर का थ्रो किया था, ठीक है। और कहाँ पे किया था? ये किया था एथलेटिक सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट मीटिंग में, जो कि साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। बाय द वे जो टोक्यो ओलंपिक के लिए किया है, टोक्यो ओलंपिक अभी पोस्टपोन हो गए हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक डिजीज कोरोना वायरस। चलिए वर्चुअल पुलिस को लेकर के एक न्यूज है, इसको भी मैंने कवर किया था आपके नवंबर की करंट अफेयर में। तो हु लॉन्च्ड वर्चुअल पुलिस स्टेशन, तो अब ये बात आंध्र प्रदेश को लेकर के नहीं है, ये दूसरी जगह पे है, इसलिए मैंने इसको रखा। सो ओडिशा के सीएम है, अब वो है नवीन पटनायक जी, इन्होंने लॉन्च किया वर्चुअल पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद टू अदर ट्रांसफॉर्मर प्रोजेक्ट ऑफ द ओडिशा पुलिस, ठीक है। वो प्रोजेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वर्चुअल पुलिस है बेसिकली। इन्होंने एक ऐसा कैंपेन चलाया जिससे कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑनलाइन अपनी न्यूज़, अपनी जो भी कंप्लेन है वो इसको रजिस्टर करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 98, द वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यूजेस आ पेटेंट टेक्नोलॉजी कॉल्ड। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पेटेंट को लेकर के पूछता हूं, 2019 में किस कंट्री ने टॉप किया है सबसे ज्यादा पेटेंट रजिस्टर कराने में? कंट्री की बात कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, और हो सके तो कंपनी का नाम भी बताइए, कंपनी का नाम भी बताइए जिसने सबसे ज्यादा पेटेंट रजिस्टर कराए हैं, कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग फॉर दिस, ठीक है। तो खैर हम लोग आगे आते हैं, यहां पे बात कर लेते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए इस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का नाम है आपका पॉलीक्रैक, ठीक है, तो एक बात तो ये याद रखिएगा, पॉलीक्रैक हो गई, पॉलीक्रैक इंडियन रेलवे ने अपनाई है, ठीक है, ये अपने आप में पहली टेक्नोलॉजी है जो इंडियन रेलवे ने अपनाई, और इंडिया में ये चौथी है। खैर ये मैटर नहीं करता, इसकी कॉस्ट भी है, इसकी कॉस्ट इंस्टॉलेशन की 1.79 करोड़ थी, और जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 10.4 लाख पर ईयर है, ठीक है। और इसके अलावा जो एस्टिमेटेड इनकम है फ्रॉम द बाई प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपकी वेस्ट होगा उससे एनर्जी जो बनाई जाएगी, वो जो इनकम बनेगी वो बनेगी 17.5 लाख पर ईयर,
ठीक है। खैर दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये जानना जरूरी है कि ये जुड़ा किससे है। तो ये जुड़ा है आपका इंडियन रेलवे से, ठीक है। ऑफकोर्स वेस्ट काफी आता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 99। हु लॉन्चेस भुवन पंचायत V3 वेब पोर्टल, बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, जितेंद्र सिंह। ये भुवन बाम नहीं है, इस बात को याद रखना, नॉर्थ बीबी की वाइन। तो यूनियन मिनिस्टर हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया था भुवन पंचायत V3 वेब पोर्टल, जो कि एक एप्लीकेशन है ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है। और ये एक कह सकते हो कि इसरो की टेक्नोलॉजी है, जो उसके थ्रू सैटेलाइट के थ्रू ये काम करेगी। बढ़ते हैं आगे, आज का क्वेश्चन नंबर 101, सॉरी 100वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज एक्स आरबीआई एंड एक्स सेबी ईडी रमेश जोशी एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, तो किसे अपॉइंट किया गया है बताइए। तो इसका सही जवाब है मिस्टर रमेश जोशी, ठीक है। और इनको अपॉइंट किया है वक्रंगी लिमिटेड ने, 40 साल का इनका एक्सपीरियंस है एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कंपनी। खैर बढ़ते हैं आगे, 101 आपके सामने रहा। शिव भोजन प्रोवाइड्स अ मील टू द पुअर फॉर जस्ट, शिव भोजन कहाँ का है, ये सब बातें भी देखते हैं। तो देखिए ये 10 रुपये में शिव भोजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये शिव भोजन जो मील की व्यवस्था है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, ठीक है। और ये कब लॉन्च करी, 26 नवंबर 2020 को, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ओकेजन पूछ सकते हैं, ऐसे ओकेजन में कोई चीज अगर लॉन्च होती है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो और हैं, अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू भी एक लॉन्च हुआ था, ठीक है। और फिर उसके अलावा आपका पोषण अभियान भी चालू हुआ था, पोषण अभियान की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये तो मेल न्यूट्रिशन के लिए था जो कि बच्चों में होता है उसके लिए। खैर साउथ में भी एक स्टार्ट हुआ था थाली, और एक दिल्ली में भी स्टार्ट हुआ है, तो इन दोनों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। हम बढ़ते हैं आगे, कनेक्टिविटी पे ध्यान देना, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई थी कि हर न्यूज़ जुड़ती है उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ होती है। देखो कोई चीज़ नई नहीं होती है, मेरा ऐसा मानना है, पहले से कुछ एग्जिस्ट कर रहा है और उसी में कुछ चेंजेस होते हैं और वही चीज़ हमारे लिए निकल करके आती है। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो विच कंट्री टॉप द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री के नाम से भी इसे जानते हैं, तो फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, एज द लार्जेस्ट वीपन मैन्युफैक्चरर, तो इसका सही जवाब है यूएस, ठीक है। तो यूएस ने सबसे ज्यादा के वीपन्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है, सिप्री की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। आगे आते हैं 103। द बोडो ट्राइबल आर एन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और शिलोंग। बोडो ट्राइबल की बात करी है, सीधी सी बात है कि आप सीधे सीधे कहाँ पे आ जाओगे सर जी, आप असम में आ जाओगे, ठीक है। तो ये एक ट्राइब है और इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब ये ऑफकोर्स लैंग्वेज कौन सी बोलते होंगे, तो ये लोग बोडो ट्राइबल के लोग बोडो ही बोलते हैं, बोडो लैंग्वेज का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, सॉरी फॉर द मिस्टेक, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल है। खैर 104 पे आते हैं। द 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ हॉलोकास्ट मार्क द एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन ऑफ ऑस्विट्स, 75th, 80th, 95th और 100th, तो ये इसका सही जवाब है आपका 75th, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं आगे, और ये 27 जनवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, याद रखना, कौन सा, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ द हॉलोकास्ट, तो ये आपका 27 जनवरी को सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है। बढ़ते हैं आगे 105 पे। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ द हॉलोकास्ट 2020, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 75 ईयर आफ्टर ऑस्विट्स हॉलोकॉस्ट एजुकेशन एंड रिमेम्बरेंस फॉर ग्लोबल जस्टिस, ठीक है। तो
तो ये इसकी याद रखिएगा। देखो थोड़ा सा ही चेंज होता है, कहीं डिमांड डिफरेंट दे दिया। अब यहाँ पे एजुकेशन की मैंने बात करी, इन्होंने यहाँ पे सीधे सीधे दे दिया एजुकेशन, एजुकेटिंग फॉर बेटर फ्यूचर। तो कभी कभी एक छोटा सा कीवर्ड गलतियाँ कराता है, इसलिए इन चीज़ों को तो सीधे सीधे रटना पड़ता है, हर चीज़ समझी नहीं जा सकती है। इसमें पॉइंट क्लियर। चलिए हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक करिए। अगर आप थक गए हैं तो वीडियो को पॉज करके आप दूसरे थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, वापस से आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु इज टू सेटअप अ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन असम। बताइए, अभी हमने वेस्ट एनर्जी की बात करी, वो इंडियन रेलवे को लेकर के था। एक और आया है, तो यहाँ पे बात आसाम की है। आसाम से रिलेटेड मैंने कम से कम 15 न्यूज़ कवर करी हैं, ध्यान से सुन लो। जो लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं उनको हर चीज़ रिलेट करेगी ही करेगी। आपके पास ये इवेंट्स होने चाहिए, मैं हर बार बोलता हूँ, आपके दिमाग में होना चाहिए ये न्यूज़ किस मंथ में आई थी, किस समय चल रही थी, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप किया है इन्होंने असम में, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, और ये किया है चंद्रपुर में, इसको भी याद रखना, प्लेस आपसे पूछा जा सकता है। 107, इन विच स्टेट डज द 5 डे गंगा यात्रा बिगिन। बताइए, ऐसी एक यात्रा और भी हुई थी, उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 4 हैं आपके पास, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश, ठीक है। 27 जनवरी को बिजनौर, बिजनौर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से ये आपकी गंगा यात्रा शुरू हुई थी। ये जो गंगा यात्रा है ये नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत आती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के जो हमारे सीएम हैं आपके योगी जी, इन्होंने इसको इनॉगरेट किया था, ठीक है, या इसे बोले लॉन्च किया था। इसमें पॉइंट क्लियर। चलिए इसके अलावा वहां पे उत्तराखंड के सीएम रावत जी भी थे। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। कवरत्ती विल बी द विच शिप टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड प्रोवाइडेड बाई GRSE। तो याद रखिए जो कवरत्री है ये आपकी 104th शिप है, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करेगी GRSE। बात समझ में आ गई? तो ये भी याद रखना, ऐसे नामों के साथ क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। अच्छा, आज तक क्या आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर के उनको देखा है? मैंने यूजुअली देखा है कि लोग स्टैटिक पार्ट, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन तो देख लेते हैं, बट करंट अफेयर के क्वेश्चन कभी नहीं देखते। मेरा मानना है देखने चाहिए। सी, एक्सपर्ट बनने में बहुत टाइम लगता है, चीज़ों को जानने में बहुत समय लगता है, लेकिन आप अपने टीचर्स की इन चीज़ों को पकड़िए जरूर, जिससे भी आप पढ़ते हैं आप उसके तरीके को देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो आइडिया लगता है कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये लैंग्वेज है, साइज ऐसा है, ऑप्शन ऐसे हैं, एंड दैट हेल्प्स इन लॉन्ग वे, आई फील सो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉगरेट विच ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 एट गांधीनगर। अब गांधीनगर कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है, तो ये आपका थर्ड है, ठीक है। इन्होंने तीसरी वार्षिक आलू कॉन्क्लेव या ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करी थी, ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने इसको लॉन्च किया। और हमारा जो गुजरात है, ऑफ कोर्स ये वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है पोटैटो का हमारे देश में। चलिए ये 4 दिन तक हमारी ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव चली। बढ़ते हैं आगे। 110, विच यूनियन मिनिस्टर प्लान टू स्विच इंडियन रेलवे इंटायरली टू इलेक्ट्रिसिटी बाई 2024 एज डीजल लोकोमेटिव। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है पीयूष गोयल, ऑफ कोर्स, ठीक है। पहले सुरेश प्रभु थे लेकिन अब पीयूष गोयल ही है, देखते हैं। अच्छा, पीयूष गोयल और कौन से मिनिस्ट्री देखते हैं? इसको मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोस में, बताया है 2 से 3 बार बताया है। कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि पीयूष गोयल और कौन सी मिनिस्ट्री को देखते हैं। खैर मैं बढ़ता हूँ आगे। अच्छा, इस वीडियो में ज्यादा डिटेलिंग के लिए नहीं है, बट जितना भी है मैं आपको उसे रिलेटेड न्यूज देता ही जा रहा हूँ। तरनजीत सिंह संधू अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री? पाकिस्तान, US, सऊदी अरेबिया या फिर इंडोनेशिया? बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका USA, ठीक है। ये सीनियर डिप्लोमेट हैं तरनजीत सिंह संधू, इनको US के लिए बनाया गया है। किसने ऑफ कोर्स अपॉइंट किया होगा? देखिए ऐसे काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बहुत ही फेमस एक कद्दावर नेता थी, उनका देहांत हो गया पिछले वर्ष। कौन? सुषमा स्वराज जी, नाम सुना होगा, वो इन्हीं पे थी। खैर बढ़ते हैं आगे।
Which scheme was awarded as the best tableau in Republic Day Parade? तो इसका सही जवाब है जल जीवन मिशन. ठीक है, ये आपका बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड मिला. कब मिला? आपका रिपब्लिक डे परेड में. ठीक है, याद रखना आपका ये इवेंट दिल्ली में होता है और डिफेंस मिनिस्टर जो कि हमारे राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इसको दिया. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे. 113 इंटरनेशनल कस्टमर डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ विच? सो इसका सही जवाब है ऑपरेशन ऑफ कस्टमर एंड कोऑपरेशन काउंसिल. ठीक है, इसे याद रखिएगा. ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात और, ये जो आपका इंटरनेशनल कस्टम डे है इसको आईसीडी के नाम से भी दिया जा सकता है. अच्छा, अब इंटरनेशनल कस्टम डे आपका 26 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारा आपका गणतंत्र दिवस तो होता ही है, इसके अलावा ये आपका कस्टम डे भी मनाया जाता है. इज माई पॉइंट क्लियर? क्लियर हो गई? देखिए अब यहाँ पे बात क्या होती है, मैं छोटी सी बात है जो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे ये रोल रिकॉग्नाइज करते हैं जो कस्टम ऑफिशियल्स होते हैं, जिससे कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखे. ठीक है, ऑफ कोर्स बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं. 114 व्हाट इज द थीम ऑफ भारत पर्व 2020? सो भारत पर्व 2020 की थीम क्या है? चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही जवाब है एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश. ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये याद रखिएगा. दो थीम पे इसमें बात करी गई है, ये 26 से 31 जनवरी तक चला. ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत. ठीक है, खैर, और ये कब सेलिब्रेट किया गया? ये सेलिब्रेट किया गया 150 ईयर एनिवर्सरी जो महात्मा गांधी की थी उसमें, ये 26 से 31 जनवरी तक चला. सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने इसमें ऑप्शन सी बोल दिया था, इसमें ऑप्शन ए सही जवाब होगा. हु वॉज अवॉर्डेड द फिफ्थ एडिशन ऑफ द महाकवि कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड फॉर पोएट्री एट द जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2020? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अरविंद कृष्णा मल्होत्रा. ठीक है, अच्छा इससे जुड़ी थोड़ी सी चीज बता देता हूँ कि ये जो फिफ्थ एडिशन है ये महाकवि कन्हैया लाल सेठिया जी का है, लेकिन जो जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ ना, ये आपका 13th एनुअल एडिशन था. ठीक है, ये याद रखिएगा. और ये हुआ आपका जयपुर में, जयपुर पड़ता है आपका राजस्थान में, पैलेस का नाम भी है यहाँ पे, तो डिग्गी पैलेस है. ओके, सो डिग्गी पैलेस में ये हुआ था. इसमें पॉइंट क्लियर, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसके एडिशन को लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है. इससे रिलेटेड मैंने काफी बातें पहले भी करी हुई हैं. खैर आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिज्जी टाइमलेस टेल्स फॉर मारवा? ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका विशेष कोठारी. विशेष कोठारी जी ने इस किताब को लिखा है, जरूर पढ़िए इसको जाकर के. आते हैं 117 व्हाट इज द थीम ऑफ द जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2020? तो जैसे कि मैंने बताया आपका 13th है, उसका सही जवाब है आपका लर्निंग ईच अदर स्टोरीज. ठीक है, सो यहाँ पे लिटरेचर की बात है कि जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर लवर्स हैं हमारे, राइटर्स हैं, रीडर्स हैं, उनको एक मोटिवेशन मिले, इसका मेन मकसद यही है. ठीक है ना, तो इसका थीम याद रखिएगा लर्निंग ईच एंड अदर स्टोरीज. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 When is the United Nation World Tourism Day celebrated? जनवरी में दिन बहुत सारे हैं, तो मैं भी काफी सारे दिन को अब कवर कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो में इतना नहीं कवर किया था. इसका सही जवाब है आपका 27 सितंबर को. ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्या है, 27 सितंबर को आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो कहोगे सर जनवरी की न्यूज चली, सितंबर क्यों कवर किया? वो क्यों किया, वो मैं अब आपको बताता हूँ. देखिए जैसे वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है आपका 27 जनवरी को होता है, इसी तरीके से नेशनल टूरिज्म डे भी होता है. ठीक है, तो नेशनल टूरिज्म डे वो आपका 25 जनवरी को होता है, ये बात के लिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे रखा. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. तो भारत का जो टूरिज्म डे वो कब मनाया जाता है? आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है. इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है टूरिज्म की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना, ताकि कंट्री की जो इकोनॉमी है वो हमारी ग्रो करे. इज माई पॉइंट क्लियर? क्योंकि देखिए काफी सारा इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे हमारा हमारा कल्चर हो, हेरिटेज हो, स्पोर्ट्स हो, रूरल, मेडिकल, एजुकेशनल, बिजनेस, क्रूज, एक आपका टूरिज्म, इन सब में इसका फर्क पड़ता है. अच्छा, इसके अलावा 25 जनवरी को एक और डे भी पड़ता है और इसको हम बोलते हैं नेशनल वोटर्स डे. ठीक है, याद रखिएगा. और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आपका
फाउंड किया गया था, ये किया गया था आपका 25 जनवरी 1950 को। तो कौन सा मैंने बताया, नेशनल नेशनल वोटर्स डे, ठीक है याद रखना। और नेशनल वोटर्स डे की थीम क्या है, इसकी थीम है ने आपका इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। मैं दोबारा बोल देता हूँ, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो ये 4-5 दिन मैंने आपको बता दिया, याद रखना। वर्ल्ड टूरिज्म डे को नेशनल टूरिज्म डे से कंफ्यूज नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपके सामने, विच स्टेट टॉप द 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम चैंपियनशिप। तो किसने जीता है, इसने जीता है आपका महाराष्ट्र ने, ठीक है। 78 गोल्ड जीते, टोटल 256 मेडल जीते इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा सेकेंड थी जिन्होंने 200 मेडल जीते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इसके बारे में बात कर ही चुके हैं कब आपका ये हुआ था, तो अब इसको डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता। वेन इज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड, बताइए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 25 जनवरी के एक दिन पहले, 24 जनवरी को आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ऑफकोर्स इसका मेन एम क्या है, राइट्स को जानना गर्ल चाइल्ड के बारे में, और ऑफकोर्स गर्ल्स की हमारी सोसाइटी में कंडीशन को इम्प्रूव करना, पैट्रियॉकी ना रहे हम हमेशा। तो यहाँ हमारे काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 45 क्वेश्चन हो गए, बढ़ते हैं आगे। 121 में हु सेट अप इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, ठीक है। एक क्लिनिक खुला है ई वेस्ट, तो ये किसने खोला है बताइए। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए एंड सी। तो भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मिलके इसको खोला है, ठीक है। तो याद रखना बीएमसी और सीएमबी, अच्छा बीएमसी मुंबई वाला नहीं है, तो आप याद रखना, बीएमसी से वहां पे आपका कंफ्यूज कर सकता है, ओके तो याद रखना। और ये 24 जनवरी की बात है, ठीक है, 24 जनवरी की ये न्यूज़ बनी थी। तो आपका सबसे पहला ई क्लिनिक वेस्ट बना वो बना आपका भोपाल में, तो ये प्लेस की बात हो गई। तो इन दोनों ने मिलके बनाया, और कहाँ पे किया गया, वो आपका भोपाल में किया गया। इसमें पॉइंट क्लियर। और ये अभी 3 महीने के प्रोजेक्ट ट्रायल पे है, फिर उसके बाद इसमें जो कहानी आएगी आई विल अपडेट यू। बढ़ते आगे, 122 आपके सामने रहा, हु रिलीज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020, WESO, फुल फॉर्म याद रखना, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड, ठीक है। तो ये किसने रिलीज किया है, तो देखिए इसको रिलीज किया है आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसे ILO के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि लगभग 470 मिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में जो अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब कोई पर्सन जो ज्यादा डिजर्व करता है बट उतना कमा नहीं पा रहा उसको। अगला क्वेश्चन, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब आपका सुनील अरोरा, ये 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, 1980 बैच के IAS हैं, तो जो कि राजस्थान ग्रेडर से थे। खैर मुझे आप बताओ कि पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आते हैं, 124, वेयर इज द फर्स्ट महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इस्टेब्लिश्ड इन अफ्रीका। ब्राजील में भी ऐसा कुछ हुआ था, याद करो, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड था। पुर्तगाल में भी ऐसा कुछ हुआ था, कवर किया है मैंने करंट अफेयर में, पिछले वीडियोस को ध्यान से देख लेना, याद दिलाता जा रहा हूँ सो दैट कनेक्ट कर पाओ कि कैसे कैसे चीजें हुई थी। PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी आपको। तो कहाँ पे किया गया है, अफ्रीका में, तो इसका सही जवाब है आपका नाइगर में, ठीक है। द फर्स्ट कन्वेंशन सेंटर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन नाइगर, नाइगर आपका एक अफ्रीका अफ्रीकन देश है, ठीक है, तो इसको याद रखना। और ये क्यों किया गया, ये ऑनर दिया गया महात्मा गांधी को, आपको पता ही होगा महात्मा गांधी अफ्रीका में ही थे, पढ़िएगा गांधी जी, उसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसमें पॉइंट क्लियर। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, 125, और इसी के साथ इस वीडियो का 50वां क्वेश्चन हो जाएगा ये हमारा। क्वेश्चन है, When was the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अवार्ड, याद रखिएगा आपदा प्रबंधन पुरस्कार अवार्ड इंस्टीट्यूटेड, कब इंस्टीट्यूट किया गया था, तो सर देखिए ये किया गया था 2019 में, 23 जनवरी 2019 को गवर्नमेंट ने आपका इंस्टीट्यूट किया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। ऑफकोर्स अब आपदा प्रबंधन की बात करी जा रही है, तो जो भी डिजास्टर्स होते हैं, आपदाएं आती हैं, उसमें किस तरीके से इफेक्टिवली काम किया जा सके और लोगों की मदद भी ली जा सके। देखिए 2017 में आपकी योजना आई थी, उस योजना में आपदा प्रबंधन के लेकर के ही था, हमको पता है कि टॉपिक कवर करते हैं, तो उस योजना में बहुत अच्छी चीज लिखी थी,
कि जब भी कहीं डिजास्टर आती है सच एज आपका बादल फटा था केदारनाथ में, तो लोकल के लोगों की ज्यादा मदद ली जाती है, ठीक है, क्योंकि उनको उस जगह का आइडिया होता है पूरा। तो यही इसका भी मकसद था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 है, इसे अनाउंस किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी, दैट इज ऑन 23 जनवरी 2020, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसमें आपका 51 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे आते हैं 126। विच कंट्री टॉप द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019, ठीक है, तो इसमें डेनमार्क है। यहाँ पे टॉप करने का मतलब जहां पे करप्शन सबसे कम है, ठीक है, उल्टी बात होती है, नहीं कि यहाँ सबसे ज्यादा है। तो इसका सही जवाब है आपका डेनमार्क, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसे सीपीआई 2019 के नाम से भी जाना जाता है। ऑफकोर्स अब 2020 के लिए अब आएंगी, तो आपकी करप्शन परसेप्शन में डेनमार्क ने टॉप किया था। इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए अब इसमें थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं। तो इंडिया की इसमें जो रैंक आई वो है आपकी 80, ठीक है, और इसके पहले आपकी 78वीं रैंक थी। बात समझ में आ गई? ओके, अब एक बात और आती कि जो आपकी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसको लॉन्च किसने किया या रिलीज कौन करता है? तो इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये आपका हर एग्जाम के लिए ऐसी इंडेक्स इंपॉर्टेंस रखती हैं, चाहे आप स्टेट पीएससी जाएं या फिर यूपीएससी जाएं। आते हैं, हु इज टू डेवलप द नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एनडीएपी, फुल फॉर्म को याद रखना और ध्यान में भी देना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग। काफी कुछ इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, और अगर आप ध्यान दो, मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, 6वां वीडियो चल रहा है, जितना करंट अफेयर मैं रख रहा हूँ अब या कहीं से भी पढ़ रहा हूँ, आप नोटिस करना कुछ चीजें, मतलब वो 20% चीजें ऐसी होंगी जो नियरली 70% करंट अफेयर आपका बना रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कनेक्टिविटी बना के रखो, बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो खैर, इसका सही जवाब आपका नीति आयोग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एनडीएपी को लॉन्च किसने किया या रिलीज किसने किया? इसको रिलीज किया राजीव कुमार, ये वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, इसको हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में। 128, हु इंस्टीट्यूटेड अ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? सो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपका इंस्टीट्यूट किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, बात को याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। खैर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है। मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं, जहां पे हम बात करेंगे थीम की। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2020? इसकी थीम क्या है? तो देखिए, इसकी थीम है आपकी लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। 4P है जो याद रखना है, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। इज माई पॉइंट क्लियर? हो गई? चलिए, तो हम बढ़ते हैं अब आगे 130। इसके बाद आपके 20 क्वेश्चन बचेंगे। थैंक्स फॉर द पेशेंस, सीखते जाओ, जान लगा दो, नहीं तो जाने दो। 130, द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन नेचुरल गैस सेक्टर वॉज हेल्ड ऑन 23rd इन कोलकाता, जयपुर, न्यू दिल्ली और हैदराबाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो नेशनल कॉन्क्लेव ऑन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी इन नेचुरल गैस सेक्टर, ये आपकी 23 जनवरी को हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, और हमारे जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्हीं ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, तो ये बात भी हमको याद रखना है। खैर, यहाँ पे बात एनर्जी सेक्टर की करी जा रही है। नवंबर में मैंने एक बात बोली थी कि आगे आने वाला फ्यूचर एनर्जी का है। खैर, आते हैं आगे 131 आपके सामने। व्हाट इज द थीम ऑफ 10th एनुअल मीटिंग ऑफ द फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया, FEMBOSA? इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है हमारी स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, ठीक है, इसको याद रखना। और दूसरा, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, FEMBOS, फेम्बोसा भी आप इसको बोल सकते हो, तो फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, ये भी याद रखना। और दूसरा फिर एडिशन याद रखना। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अपने आप में इसने दे दिए। खैर, आते हैं आगे। व्हाट आर द थ्री कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। इसका सही जवाब है अमरावती, विशाखापट्टनम एंड कुरनूल, ठीक है।
तो याद रखना, अमरावती आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, आपका विशाखापट्टनम एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और कुरनूल ये आपकी जुडिशियल कैपिटल रहेगी। ये भी याद रखना, क्योंकि यहां से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, अमरावती आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गई, विशाखापट्टनम आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो गई, और आपकी कुरनूल ये आपकी जुडिशियल कैपिटल हो गई। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पार्ट दिए गए हैं ना, उसी के हिसाब से इन्होंने अपनी कैपिटल बना करके रखी है। खैर, हम आते हैं 133 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल इज टू कैरी एस्ट्रोनॉट टू स्पेस। नाम है बाहुबली। अब बाहुबली कौन सा है, क्योंकि सारे बाहुबली हैं। सो बाहुबली GSLV Mark 3, ठीक है, ये याद रखिएगा, गगनयान मिशन के अंतर्गत ये बात है। 134, विच कंट्री रैंक लास्ट इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019। ऑफ कोर्स कौन हो सकते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, चाड, क्यूबी, सीरिया और नॉर्थ कोरिया। तो इसका सही जवाब है आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ज्यादातर लोग तो इसे तुक्के में भी सही कर सकते हैं। 167 कंट्री थी, इसमें इसको लास्ट मिला है 1.08। थैंक गॉड 1.08 एटलीस्ट इन्हें मिले हैं। आप इनके बारे में पढ़िएगा, नॉर्थ कोरिया के बारे में, यू विल नो अलॉट कहाँ से जुंगकुंग ने, जो भी इनके नाम है, इन्होंने पढ़ाई करी और किस तरीके का इतिहास रहा है और कैसी प्रॉब्लम्स वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्वे ने टॉप किया है, नॉर्वे को 9.87 मार्क्स मिले हैं। इंडिया को 51 रैंक मिली है, जहाँ पे इनको मार्क्स मिले आई गेस 6 या 7 मिले थे, ठीक है। तो याद रखना, फिलहाल इसकी इंडिया में इसकी इंडिया की रैंक गिरी है 10 स्थान, 10 स्थान पे इसकी गिरी है, ठीक है। खैर, ये काफ़ी बार मैं थोड़ा बाइस्ड मानता हूँ कई बार, क्योंकि इंटरनेशनल होती हैं, तो जो भी इनको न्यूज़ मिलती है ऑन दैट बेसिस दे प्रोड्यूस। सच एज अभी कोरोना वायरस को लेकर के ही अमेरिका के एक साइंटिफिक जर्नल करके कोई न्यूज़पेपर है, उसने एक न्यूज़ लिखी कि आप कैसे मान सकते हैं कि इंडिया कोरोना वायरस को कंट्रोल कर रहा है ऐसा। तो काफ़ी बार ये बायस न्यूज़ भी होती हैं कि हम कमज़ोर दिखाएं दुनिया के सामने भारत को, जबकि ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन फैक्टर भी कई बार निकल के आता है और ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। खैर, तो इनको ऐसे इमोशनल नहीं ले लेना है कि हम कमज़ोर हैं, क्योंकि हमारी देशभक्ति सोशल मीडिया पर सबकी दिखती है। 135 पे बात कर रहा हूँ, और हु वन 2019 ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड। इसका सही जवाब है प्रिया प्रकाश, ठीक है। सो प्रिया प्रकाश को ग्लोबल सिटीजनशिप सिटीजन प्राइज मिला है, ठीक है, सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019 के लिए। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 136, इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। कितनी बार न्यूज में आया ये, ऑन 22 जनवरी, विच इज बींग हेल्ड इन दावोस। दावोस आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इससे रिलेटेड न्यूज भी मैंने कवर करी हुई है। सो ऑप्शन बी मैं बार बार याद दिलाऊंगा आपको, याद रखना, हो सकता है आप थोड़ा इरिटेट हो रहे हो, बट ये मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको याद दिलाता रहूँ। और अगर आपको याद नहीं आ रहा, मैं आपको एस्पिरेंट मानता ही नहीं सर, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी न्यूज़ कब आई थी, देन यू आर सीरियस एस्पिरेंट, अदरवाइज जस्ट ऐसे चल रहा है वैसे चलेगा। तो खैर, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। सो ऑप्शन बी क्या है, रेस्किलिंग रेवोल्यूशन। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बात समझ में आ गई। और ये कहीं से 24 जनवरी के बीच एक मीटिंग हुई थी 50th WEF की, उसी की बात है ये। खैर, बढ़ते हैं आगे, 137, ऑन 23rd जनवरी 2020 इंडिया सेलिब्रेटेड विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बोस, बताइए। तो ये आपकी 124th बर्थ एनिवर्सरी। देखिए, याद रखना, बर्थ एनिवर्सरी की बात है, इससे रिलेटेड एक अवार्ड भी था, मैंने भी बात करी थी आपसे थोड़ी देर पहले, ठीक है। और चलिए फिलहाल, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था कटक में, कटक का ओडिशा में हुआ था 23rd जनवरी 1897 को। ओके, फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने काफी योगदान दिया, और इनकी एक मूवी आई थी सुभाष चंद्र बोस, आई गेस 2004 में 6 में आई थी, जरूर देखिएगा। विच स्टेट हैज अनाउंस दैट इट इज टू मैंडेट मराठी इन ऑल स्कूल इन द स्टेट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ऑफकोर्स ये आपका महाराष्ट्र ही होगा, ठीक है, काफी बार ऐसी न्यूज रहती हैं। तो महाराष्ट्र हो गया, जिन्होंने मैंडेटरी कर दिया मराठी लैंग्वेज सारे स्कूल्स में, इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब वो आपका मराठी भी हो सकता है, कॉन्वेंट भी हो सकता है, CBSE, ICSE किसी से भी हो, तो उसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये याद रखना, वहाँ के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं सुभाष देसाई, उन्होंने इसको अनाउंस किया, और
ये कब किया, जब वहां पे मुंबई मराठी पत्रकार संघ एक ने कुछ और ऑर्गेनाइज किया था एक इवेंट वहां पे। 139, विच कंट्री इज टू ट्रेन इंडियन फ्लाइट सर्जन फॉर द गगनयान मिशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, और इसका सही जवाब है आपका फ्रांस। ओके, सो फ्रांस ट्रेन करेगा इंडियन फ्लाइट सर्जन को, सो दैट जब एस्ट्रोनॉट्स बाहर जाएंगे अपने गगन मिशन के लिए तो वो उनके चेकअप वगैरह कर पाए। ठीक है, याद रखना। और ये आपका 21 जनवरी 2020 को ऐसा किया गया था। फिलहाल गगन यानी एक ह्यूमन स्पेस मिशन है, ये भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है साइंस एंड टेक के हिसाब से कभी कभी, स्पेशली इन SSC, कि ये किस टाइप का मिशन है। ठीक है, बढ़ते आगे। विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ठीक है, तो कृषक दुर्घटना नॉट दुर्घटना, इस कृषक दुर्घटना कल्याण योजना तो ये किसने लॉन्च करी है, तो ये लॉन्च करी है सर आपके उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। और इसके अलावा ये 21 जनवरी को करी गई थी और अनाउंसमेंट मेड किया था मिनिस्टर श्रीकांत शर्मा जी हैं उन्होंने। ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के जो मिनिस्टर हैं श्रीकांत शर्मा जी ने। लास्ट 10, 141 आपके सामने क्वेश्चन रहा, हु इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल मेगा साइंस एग्जीबिशन विज्ञान समागम एट नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, चलिए, विज्ञान से रिलेटेड काफी न्यूज थी, बेंगलुरु आया था उस न्यूज को लेकर के, फिर IIT से रिलेटेड भी हमने काफी सारी न्यूज को कवर करी, फिर मणिपुर की बात आ गई फिर से, तो मणिपुर सेलिब्रेटेड द स्टेट टू डे ऑन, इसका सही जवाब है आपका 21 जनवरी। ठीक है, तो याद रखना 21 जनवरी 1972 को ये स्टेट बना था, फुल फ्लेज स्टेट बन गया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, और वही एक्ट भी बनता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसकी बॉर्डर किससे किससे मिलती है, तो देखिए जो अब इसकी स्टेट है वो बॉर्डर मिलती है नागालैंड से नॉर्थ की तरफ, आसाम को वेस्ट की तरफ, और मिजोरम को साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है किससे नहीं मिलती है, तो इसकी त्रिपुरा से नहीं बनती। ऑफकोर्स नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश तो नहीं आएगा ना वहाँ पे, और गुजरात भी नहीं आएगा, तो ये याद रखना नागालैंड आसाम और मिजोरम से इसकी बॉर्डर मिलती है, त्रिपुरा से नहीं मिलती है। इसमें पॉइंट क्लियर, आगे आते हैं। 143 आपके सामने, नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बिगेन इन पुदुचेरी, इसे पांडिचेरी पहले बोलते थे, पुदुचेरी ऑन 19 जनवरी 2020। तो ये कौन सा एडिशन है सर जी, ये 12th एडिशन है। ठीक है, नेशनल और ट्राइब से रिलेटेड ये लगभग हमारी चौथी पांचवी न्यूज़ है पिछले 3 महीने में, तो याद रखिएगा जून में भी ट्राइब से रिलेटेड न्यूज़ आई थी। सो 12th नेशनल ट्राइबल एक्सचेंज प्रोग्राम पुदुचेरी में 19 जनवरी 2020 को लॉन्च हुआ था, और वहाँ की ल्यूटेंट गवर्नर है किरण बेदी, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, आते हैं आगे। 144, हु अवार्डेड द रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2020। याद करो रवीश कुमार, इंडियन एक्सप्रेस, इनको मैंने अवार्ड की बात करी थी, या फिर एक्सीलेंस को लेकर के आई जर्नलिज्म में। इसका सही जवाब क्या होगा, तो देखिए किसों ने अवार्ड दिया रमेश रामनाथ गोयनका को, तो ऑफ कोर्स ये प्रेसिडेंट जी ने दिया था, हमारे रामनाथ कोविंद जी ने दिया था। ये एडिशन कौन सा था, तो सर ये 14th एडिशन था। ठीक है, तो याद रखिएगा 20 जनवरी को ये न्यूज हुई थी। इज द पॉइंट क्लियर, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। वन फोर्टी फाइव क्वेश्चन रहा ये, हु ऑर्गेनाइज द रायसीना डायलॉग 2020। तो देखिए रायसीना डायलॉग 2020 आपका हुआ ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया था। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले रायसीना डायलॉग आपका 2016 में हुआ था। ठीक है, तो यहां से हमारी ये बात पूरी होती है। बढ़ते हैं 146 में, यहाँ पे भारत की रैंक की बात करी जा रही है। इंडिया रैंक्ड व्हाट इन द कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट CPD इंडियन एनुअल रिपोर्ट। तो इसमें इंडिया की रैंक आई है 5th। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ओके, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, आप बताइए फिट इंडिया साइक्लोथॉन इवेंट कहाँ हुआ था।
ठीक है, फिट इंडिया साइक्लोथन इवेंट हुआ था आपका गोवा में, और ये हुआ था 18 जनवरी को। गोवा से रिलेटेड न्यूज़ पिछले वीडियो में भी मैंने कवर करी थी, याद दिला देता हूँ। ठीक है, और यह फ्लैग ऑफ किया गया था प्रमोद सावंत, जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 147 में, आपके सामने रहा। व्हेन वाज द यूथ को लैब लॉन्च्ड इन इंडिया? तो ये लॉन्च करी गई थी 2019 में, मतलब अभी बस थोड़े दिन पहले की ही बात है। किसके अंतर्गत करी गई, किसके कोलैबोरेशन से करी गई? तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के कोलैबोरेशन से ये करी गई थी अक्टूबर 2019 में। अच्छा, तो फिर इसमें दूसरा पार्ट कौन था? दूसरा पार्ट था, इसको जो को क्रिएट किया था वो था यूएनडीपी ने, ठीक है, और सिटी फाउंडेशन ने, जो कि 2017 में किया था। इसमें पॉइंट क्लियर। चलिए 148, व्हाट इज द थीम ऑफ एनआईसी टेक कॉन्क्लेव? एनआईसी टेक कॉन्क्लेव की थीम क्या है? इसकी थीम है टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस। नेक्स्ट जेन मतलब नेक्स्ट जेनरेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि एनआईसी टेक कॉन्क्लेव का ये एडिशन कौन था? तो ये इसका सेकेंड ऑडिशन था, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था प्रवासी भारतीय केंद्र, जो कि चाणक्यपुरी में है। चाणक्यपुरी आपका न्यू दिल्ली पड़ता है, ठीक है। तो ये बात यहां पे आ गई। इसमें पॉइंट क्लियर। चलिए हम बढ़ते हैं आगे 149 पे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ जनवरी। अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम 2020, पोलियो ड्रॉप्स वर एडमिनिस्ट्रेटेड टू चिल्ड्रन लेस देन 3, 5, 6, 8। तो इसका सही जवाब है आपका 5, ठीक है, तो याद रखना है इसको। चलिए आज का आखिरी सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वेयर इज द एलिक्रामा 2020 हेल्थ? कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर और आर के सिंह ने इनाग्रेट किया था एलिक्रामा 18 जनवरी को, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडस्ट्री बॉडी इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, तो IEEMA। मैं दोबारा नाम बोल देता हूँ, इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा, और ये 18 से 22 जनवरी के बीच में हुआ था। खैर, एक तरह का कॉन्क्लेव था जहाँ पे काफी बड़ा बिजनेस की बात हुई थी। इसी के साथ जनवरी का करंट अफेयर पूरा होता है। इस पार्ट में स्टैटिक वाला पार्ट ज्यादा था, पिछले में डिस्कशन काफी था। खैर, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।